इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे लंदन, जहां वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें अक्रॉस द पार्टी डिवाइड सब लोग शामिल हैं, वो गाहे बगाहे तवज्जो दिलाते रहे हैं बरतानिया की हुकूमत की जो इंसानी हकूक़ की वहाँ पामाली हो रही है। तो मैंने मुनासिब समझा कि उस डिबेट के हवाले को सामने रखते हुए और जो 12 सितंबर को पाकिस्तान ने एक वेल रिसर्च जिसे कहते हैं ना एक डॉसियर जो मरतब किया है ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, उस पर भी मैं उन्हें आगाह करूं। तो फिर मैंने वो डॉसियर की कॉपी फॉरेन सेक्रेटरी को दी और कहा कि खुद उसको वो एग्जामिन करें और देखें कि इसमें हमारे पास 3000 से ज़्यादा ऐसे केसेस रिपोर्टेड हैं जो कि हमारी नज़र में वॉर क्राइम्स के ज़िम्मे में आते हैं। मैंने उनको गोशगुजार किया कि उनके इकदाम ऐसे हैं जो फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन को वायलेट करते हैं और एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत वहाँ डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग की जा रही है कि एक वाहिद रियासत हिंदुस्तान की जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए और उसके दुरुस्त अजायम भी हैं और नतायज भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बरतानिया जो ह्यूमन राइट्स विमेन राइट्स का तकाजा भी करता है और करना भी चाहिए, अफगानिस्तान पे भी वो कहते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। If human rights have to be respected in one part of the world, then other parts of the world cannot be overlooked. And Jammu and Kashmir is one such part that human rights violations are being incurred and they are being overlooked. तो उस पर एक अच्छा मौका मिला बात करने का। और फिर अगले साल हमारे 75 साल पूरे हो जाएंगे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, हमारे दो तरफा ताल्लुकात को इस्टेब्लिश हुए 75 साल मुकम्मल हो गए। तो मैंने कहा कि उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि अब दो चीज़ें आई हैं, एक 75 साल पूरे हो रहे हैं और हमारा एक इन्हांस स्ट्रेटजिक डायलॉग भी है, उसकी कई नशस्तें हुई हैं, उन नशस्तों को पहले से ज़्यादा फाल करने के लिए मैं तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ और मैंने उनकी खिदमत में तजवीज़ पेश की। आई प्रपोज्ड एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, शी एक्सेप्टेड माय प्रपोजल ऑफ एस्टैब्लिशिंग जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और मुख्तलिफ एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए कि किन किन एरियाज़ में हमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि हम बैठकर तबादला ख्याल से एक हिकमत अमली मुरतब दें कि इन एरियाज में हम म्यूचुअली एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं और उस कोऑपरेशन से हम अपने जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको पहले से मजबूत कैसे कर सकते हैं। और फिर मैंने उनको दावत भी दी कि वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं और जो उसका फिफ्थ रिव्यू है उसमें पार्टिसिपेट करने की उन्होंने दावत कबूल की। एट एन अप्रोप्रिएट टाइम शी प्लान्स टू विजिट पाकिस्तान। तो बायलैटरल रिलेशंस पे बात हुई, अफगानिस्तान पे बात हुई, कश्मीर पे बात हुई और फिर इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस में भी मैं समझता हूँ कि एक बेहतरी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो हमें GSP प्लस का फैसिलिटी बरतानिया ने EU के निकलने से अलीहदगी के बाद जो दी है उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले साल
कोविड एनवायरनमेंट के बावजूद हमारी दो तरफा जो ट्रेड है उसमें 32% इजाफा हुआ, विच इज ए वेरी हेल्दी ट्रेजेक्ट्री। इन्वेस्टमेंट्स में बेहतरी आई है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आ सकती है। मैंने तजवीज पेश की कि हमारी 1.6 मिलियन की स्ट्रेंथ है हमारे डायस्पोरा की, हम क्यों ना इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें प्रमोट करने के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो हमारी कम्युनिटी यहाँ रहती है, दिस कैन प्ले द रोल ऑफ ए ब्रिज बिटवीन टू कम्युनिटीज एंड टू कंट्रीज। पर मुझे उनने बताया, फॉरेन सेक्रेटरी डिस्ट्रॉस ने, कि वो इस जिम्मेदारी से पहले वो ट्रेड सेक्रेटरी थी, और बेसियत ट्रेड सेक्रेटरी के उन्होंने मार्क ईस्टवुड को एक स्पेशल एनवॉय ऑन ट्रेड विद पाकिस्तान नामजद किया था। अनकरीब उनको वो पाकिस्तान वो आ रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके साथ हमारी एक इफेक्टिव इंगेजमेंट हो जाए, ताकि हम देखें कि हम अपनी बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। जहां मैंने कहा कि हमें GSP प्लस का हमें खुशी है कि आपने फैसिलिटी दी है, मैंने उनको तजवीज़ पेश की कि वक्त आ गया है कि हम एक FTA के लिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। इट विल टेक टाइम, बट हम उसका एक आगाज करें। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक जॉइंट कमीशन भी मुरतब किया जा सकता है, कि हमने किस तरह फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को सामने रखते हुए हमने अपनी ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने उनसे कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि बरतानिया के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात बढ़ें, हम इन्हें मजबूत करना चाहते हैं। हमारा इस मुल्क के साथ गहरा ताल्लुक है, हमारी बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, फाल किरदार अदा कर रही हैं, और हमें बरतानिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है फॉर रिमिटेंसेस। अगर आप रिमिटेंसेस को भी देखें तो सिर्फ पिछले 5 साल में बरतानिया से तकरीबन $4 अरब की रिमिटेंसेस पाकिस्तान भेजी गई हैं, और पिछला जो 5 साल इख्तिताम पज़ीर हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी रिमिटेंसेस नहीं भेजी गई जितनी पिछले साल आई हैं, और उसमें बरतानिया का एक अपना अहम रोल है। उस रोल को मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, और यहाँ के जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसको भी हमने देखना है कि हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह हम आपके लिए जो यहाँ रहते हैं इस किस्म की स्कीम्स लेकर आएँ जिससे कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए पाकिस्तान में अट्रैक्टिव हो। इन्वेस्टमेंट हम यहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ क्यों करें? ऑब्वियसली अगर उसका हम बेटर रिटर्न आपको प्रोवाइड करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। यहाँ के जो लोग जो सरमायाकारी की सलाहियत रखते हैं तो उस पर भी काम हो रहा है, और जो हमारी काउंसलर सर्विसेज हैं उसको भी इम्प्रूव करने की हमारी ख्वाहिश है। कुछ इकदाम हमने लिए हैं, कुछ मज़ीद लेना चाहते हैं, ताकि लोगों की सर्विसेज में आसानी पैदा हो, लोगों को सहूलत हो। These were some of the things that I discussed with the Foreign Secretary, और मेरी कल आज तुमसे मुलाकात हुई, कल मुझे मौका मिल गया कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ अहम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से इंटरेक्ट करने का। हाई कमीशन में वो तशरीफ लाए और मेरी उनसे नशिस्त हुई, और उसमें दो नुमायां शख्सियात थीं जिसके साथ मेरा, मैं समझता हूँ कि इंटरेक्शन खासा मुफीद रहा। एक उनके जो चेयर हैं ऑफ द फॉरेन रिलेशंस कमेटी, और दूसरे जो उनकी चेयर हैं ऑफ द डिफेंस कमेटी, दोनों अहम शख्सियात हैं और ये दोनों अहम कमेटीज़ हैं। तो उन कमेटीज़ के साथ इंटरेक्शन और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उन तक पहुँचाना, और उनके
नुकतों को समझना, उनकी तशवीश को समझना मेरे लिए ज़रूरी था। वो भी अच्छा डायरेक्शन हुआ। और एक रोज़ पहले यहाँ मैस्टर साहब ने मेहरबानी फरमाई थी, दावत दी थी, कम्युनिटी के कुछ लोगों तशरीफ लाए थे। कोविड एनवायरनमेंट के बाद ये पहला मौका था कि फेस टू फेस इस नौबत की मुलाकात हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनमें सब, उन लेबर एमपीस का, उन लॉर्ड्स का जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं, और मेयर्स का, डिप्टी मेयर्स का, कुछ काउंसलर्स का जिन्होंने उस नशस्त में पार्टिसिपेट किया और मौका मुझे फराहम किया कि मैं मुख्तलिफ इशूज़ पर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उनके सामने रख सकूँ और उनकी जो गुफ्तगु है उससे मुस्तफ़ीद हो सकूँ। तो आई थॉट कि मैं सम अप कर दूँ मुख्तसर अल्फाज में दीज एक्टिविटीज़ दैट आई अंडरटुक इन द लास्ट टू डेज। थैंक यू। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से कश्मीर इशू पर तफसीली बात हुई है। उन्हें आगाह किया है कि मकबूजा कश्मीर में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और भारत की जानिब से जुल्म बरबरीत का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग के ख्वाहां हैं। बरतानिया के साथ हमारे गहरे ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए भी तमाम तर मुमकिन इकदाम करने के ख्वाहां हैं।